कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जॉब्स मिलनी मुश्किल हो रही है। क्या मेरी बात से सहमत हैं? जी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर आपका जवाब हाँ है तो कंपटीशन पीछे वाले समय से कम हुआ है। मैं आपको अभी 2 मिनट में प्रूव करूंगा, देन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले समय में, बहुत पुराने समय में, आप अपने बुजुर्गों को पूछें या एक लिस्ट बनाएं कुछ पुराने लोगों की, उन एम्प्लॉयज की जो उस समय में आज से 20-30 साल पहले काम करते थे किसी दुकान पे या सरकारी नौकरी या कुछ भी तरह के वो जॉब करते थे, उसमें से 100 आदमियों का अगर आप लिस्ट लेंगे, जो हमने एक एनालिसिस किया, मैं आपको बताता हूँ, उसमें अगर आप 100 लोगों की लिस्ट लेते हैं तो वो 100 लोगों में से, मान लीजिए कि सभी लोग 10,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले थे, वो 100 लोगों में से 90% लोग ऐसे थे जो कि 10,000 रुपए तनख्वाह लेते थे और 14 या 15,000 रुपए का काम करके देते थे अपने ऑनर को, अपने मालिक को। 10% लोग ऐसे थे जो कि 10,000 सैलरी लेते थे और 10,000 रुपए का काम करके देते थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मालिक को, अपनी दुकान को या जहां पर भी वो जॉब करते थे। आज की डेट में हमने जो डाटा लिया उसमें जब हम 100 लोगों के डाटा में से एनालिसिस करते हैं तो 90% लोग वो लोग हैं जो 10,000 रुपए सैलरी लेते हैं और सिर्फ 8 या 9 हजार रुपए का काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मालिक को या सरकार को करके देते हैं। 7% लोग वो लोग हैं जो 10,000 रुपए सैलरी लेते हैं और 10,000 रुपए का काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लुटाते हैं। बाकी बचे 3% लोग। ये 3% लोग वो लोग हैं जो 10,000 रुपए सैलरी लेते हैं और 12, 13 या 14 हजार रुपए का काम अपने ऑनर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को करके देते हैं। तो अगर आप ये मान के चलें कि आप अगर इन 3% लोगों की कैटेगरी में आ गए, अगर आप इन 3% लोगों की कैटेगरी में आ गए तो क्या आपके लिए मार्केट में कोई कंपटीशन है? ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। कंपनियां इस तरह के लोगों की तलाश में रहती हैं कि जो जितनी सैलरी लेते हैं उससे ज्यादा का काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मालिक को, दुकानदार को या सरकार को करके देते हैं। तो ये कंपनियां, अगर आप इस 3% में हैं तो ये कंपनियां आपको ढूंढते हुए आएंगी जॉब देने के लिए। इफ यू आर नोन फॉर योर ऑनेस्टी और योर हार्ड वर्किंग और योर स्मार्ट वर्किंग, देन वेयर इज द कंपटीशन? अगर आप उन 97% लोगों में हैं तब आपके लिए कंपटीशन है, क्योंकि अब आप एक भीड़ का हिस्सा हैं और भीड़ हमेशा ही कंपटीशन का एक पार्ट रही है। अगर आप भीड़ में हैं तो आप एक कंपटीशन में फंसने वाले हैं, और भीड़ एक मूर्छित लोगों का संगठन है। सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो भीड़ से हटकर सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आप ये अक्षय कुमार को सुनिए। जहां लोग दौड़ रहे ना वहां आप मत दौड़े, अपना अलग एक रास्ता बना लीजिए। अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अकेले हो जाइए, आप अपना अकेला कुछ करिए, कुछ ना कुछ सही होगा। जी हाँ, अगर आप कंपटीशन से आउट होना चाहते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? बड़ा आसान सा तरीका है, अपने आप को कंपटीशन से निकालने के लिए इस 3% की कैटेगरी में लेकर आए। कैसे लेकर आए? आपको जो काम देना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट यू हैव टू गिव एज अ ऑनरशिप मेंटेलिटी। हमेशा एक मालिक की सोच की तरह काम करें कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता तो मैं इस जगह पे क्या करता, अगर इस सिचुएशन में मैं अब इस कंपनी का मालिक होता तो मैं क्या करता। और ये मान के चलें आपका मालिक हमेशा आपको देख रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर हैं वो आपको हमेशा देख रहे हैं, और आप उस कंपटीशन से बड़ी जल्दी ही निकल जाएंगे।